दोस्तों, आपने चंपावत टाइग्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा, और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये वो टाइग्रेस थी जिसने नेपाल और भारत में 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंसान तो इनका प्राकृतिक आहार नहीं होते, तो फिर ये अपनी नेचुरल डाइट को छोड़कर आदमखोर कैसे बने, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब किसी टाइगर को इंजुरी हो जाती है या फिर ये उम्र बढ़ने के कारण कमजोर पड़ने लगते हैं, तभी जाकर वो आदमखोर बनते हैं, क्योंकि इंसान दूसरे जानवरों के मुकाबले आसान शिकार होता है। और चंपावत टाइग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी ने इसे मार गिराया। तब उन्होंने देखा कि उसका राइट अपर कैनाइन आधा और लोअर कैनाइन पूरी तरह से टूटा हुआ था। और ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि हर शिकारी जानवर अपने कैनाइन के सहारे ही शिकार की गर्दन को दबोचता है और शिकार को मार डालता है। लेकिन वो टाइग्रेस तो अपने कैनाइन खो चुकी थी, और इसी वजह से वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाती थी। इसीलिए आसान शिकार की तलाश में ये इंसानों के पीछे पड़ गई थी। वैसे दोस्तों, अगर कोई टाइगर आपके सामने आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट करके बताओ।